तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल निकू कपलर। तो आज आपके लिए लेके आ चुके हैं किया सेल्टोस की मॉडिफिकेशन। तो चलिए दिखाते हैं फ्रंट फेस से यहाँ पे क्या क्या अपग्रेड किया जा रहा है। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरा का पूरा बेस मॉडल होने वाला है हमारा, ये इसको आप बनाने वाले टॉप मॉडल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अपग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे LED यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है स्टॉक हेडलाइट के अंदर। और नेक्स्ट अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा दिया गया है। तो फ्रंट से बस इतना ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे LED लगाई जा रही है और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया गया है। और बात करें इसके अंदर तो साइड फेस में बात करें तो साइड फेस में देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमारे रिम लग के आए हैं। अब इसकी जगह यहाँ पे अलॉय व्हील लगने वाले हैं। तो जैसे ही अलॉय की फिटिंग होती है मैं इसका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा किस तरीके से होना है और क्या ही लुक होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो साइड बिटिंग भी लगा दी गई है, प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया गया है। देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन काम यहाँ पे किया जा रहा है। और बात करें तो यहाँ पे हमारे मिरर भी रिप्लेस होने वाले हैं, ऑटोफोल्ड वाले यहाँ पे मिरर लग जाएंगे जिसकी वर्किंग प्रॉपर होने वाली है और फिटिंग भी यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएगी। और बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे डैम्पिंग कर दी गई है, डबल ए डैम्पिंग की है। इससे क्या होता है गाइस यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है आपकी, साथ ही साथ स्पीकर का जो साउंड है वो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो जाता है। डोर भी हैवी हो जाते हैं, देख सकते हैं आवाज़ सुनिए कितना ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे डोर हैवी हो चुके हैं। और बात करें तो ये देखिए एम्बिएंट लाइट की यहाँ पे फिटिंग चल रही है, एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे लगने वाली है। 6 पीस में हमारी टोटल एम्बिएंट लाइट होगी, 2 डैशबोर्ड पे और 4 हमारे डोर पे होने वाली है। और बात करें तो यहाँ देख सकते हैं स्पीकर में भी अपग्रेड किया गया है, JBL के यहाँ पे स्पीकर लगाए गए हैं, कंपनी वाले स्पीकर निकाल के रख दिए हैं। इसका साउंड भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिल जाएगा। और इसमें अपग्रेड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे सीट कवर भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, टॉप मॉडल वाले जो कैमल कलर में हमारे होके आते हैं वो वाले यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे सीट कवर लग जाते हैं एक बार मैं उसका रिस्पांस दिखाऊंगा और लुक भी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से होने वाले। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्टूडियो हमारा चेंज कर दिया गया है, कितना ही बड़ा साइज़ होने वाला है इस स्टूडियो का, इसका रिस्पॉन्स भी आपको एंड में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं प्रॉपर फ्रेम के साथ यहाँ पे फिटिंग करी गई है। और इसमें अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाई जा रही है हमारी वेलकम प्लेट, कुछ इस तरीके से ब्लू लाइट में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रॉपर वर्किंग आपको यहाँ पे मिल, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी लुक होने वाली है वेलकम प्लेट की। बैक प्रोफाइल की बात करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से हमारा कंपनी से लग के आता है, बट उसकी जगह यहाँ पे दिखा दिया मैंने आपको कितना ही बड़ा यहाँ पे साइज़ का स्टूडियो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जिसका रिस्पांस मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं बैक में हमारा कैमरा इंस्टॉल कर दिया है, बढ़िया तरीके से फिटिंग कर दी है। साथ ही साथ ये जो हमारा कैमरा है ये भी हमारा डायरेक्शनल होने वाला है, जैसे आप बैक करते वक्त गाड़ी का स्टीयरिंग रोटेट करोगे तो हमारी जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे रोटेट होने वाली है। तो यही कुछ इसमें अपग्रेडेशन होने वाली है, एंड में आपको मैं कंप्लीट लुक दिखाता हूँ किस तरीके से पे होने वाला। सो फाइनली गाइस गाड़ी का जो सारा काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमारी जो किया सेल्टोस थी वो कंप्लीट यहाँ पे मॉडिफाइड हो चुकी है। तो निक्कू भैया बताएंगे कैसे हो निक्कू भैया? बढ़िया। तो फ्रंट ये बेस मॉडल था, फ्रंट जो टॉप मॉडल में आता ना उसने सारा लुक दे चुका हूँ। इसमें जैसे ग्रिल हो गया अपना, VRL हो गया, हेडलैम्प हो गया, फोक लैंप हो गया, ठीक है। इसमें टॉप मॉडल में फोक लैंप आइस वाली है तो उसकी थ्रो उतनी अच्छी है नहीं, तो थ्रो के लिए हमने इसमें प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया हूँ। इसका टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है और ग्रिल पियानो में आता है और DRL है। यानी कंप्लीट चेंज कर दिया, यानी फ्रंट से पूरा कोई देख के नहीं बोल सकता कि बेस मॉडल का ही है जी। तो एक बार रिस्पॉन्स दिखा दीजिए किस तरीके से होने वाला है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स होने वाला है, सामने वाले को अंधा कर दोगे या नहीं? बिल्कुल जी। और इसमें क्या अपग्रेड किया आपने? इसके अलावा जो इसमें मेन चीज है ना, सबसे बड़ी चीज है एक्स लाइन की अलावी है इसमें जी, यहाँ पे जेन्युइन पार्ट है जो ओरिजिनल कंपनी से आता है एक्स लाइन में लग के, वो 18 इंच का लाया है। यहाँ पे जो इंडिकेटर आता है जो मिरर फोल्डिंग होता है इसको हटा के लैंड रोवर वाला बेंट लगा दिया इसमें जी, ठीक है। इसके अलावा अनलॉक और लॉक पे मिरर फोल्डिंग हो चुका है इसका, ये देखिएगा इसकी प्रॉपर वर्किंग मिल जाएगी आपको। लॉक करते ही मिरर फोल्ड और अनलॉक करते ही हमारे मिरर जो है, ये नहीं कि बाहर से चाबी से, अंदर से स्विच लगा के भी लगाया हूँ कि स्विच से भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हो, दिखा दूंगा। इसके अलावा जो मेन चीज अपना रूफ रेल लग गया पेच वाला, ये इसके अलावा अपना डोर वाइजर है जी, इसके अलावा विंडो गार्निश क्रोम है जी, इसके अलावा अपना हैंडल क्रोम है, ये हमारा आफ्टरमार्केट है, आफ्टरमार्केट है। इसके अलावा साइड बिटिंग ओरिजिनल है, ये हमारी किया जेन्युइन है, किया जेन्युइन है जी, ठीक है। अपना साइड से लुक है जो एक्स लाइन के अलाय के साथ आता, क्योंकि बिना अलाय का लुक गाड़ी में नहीं आता, चाहे जितना भी मॉडिफिकेशन आप करवा लो अलाय के साथ लुक आ रहा है साइड प्रोफाइल से इसका। इसके अलावा पीछे से दिखाते हैं इसमें क्या क्या किया, एक बार बैक दिखा दीजिए क्या क्या हुआ इसमें। बैक से कोई सेंटर लाइट नहीं है जी। इसके अलावा अपना पार्सल ट्रे है, बूट लैंप है, यानी प्रॉपर फिटिंग करी है, प्रॉपर फिटिंग है, जो कस्टमर का नीड था, जो हमें चाहिए, जो जरूरत का सामान था वो सारा लगा के दिया हूं, ठीक है। और इसमें क्या किया आपने बैक में? बैक में बस यही काम था, बैक में सॉरी एक स्पॉइलर अपना लगा है,
इसकी फिटिंग देख लीजिएगा, प्रॉपर फिटिंग करी गई है, एच टू एच यहाँ पे फिट है। निकलेगा तो नहीं जल्दी है? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर टेल लाइट लगने के बाद ना कोई नहीं बोल सकता था कि पीछे से टॉप नहीं है। बल्कि ऐसा टॉप मॉडल का इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं रह गया, सिर्फ एक वाइपर छोड़ के एक एसी क्लाइमेट कंट्रोल छोड़ के। तो वो हमारे पास अवेलेबल होता है जी, अगर किसी कस्टमर को लगवाना हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होने वाला है। सारी अवेलेबिलिटी निकुबिया करवा देंगे यहाँ पे। इंटीरियर दिखा दीजिए, इस बार इंटीरियर में क्या किया है? इंटीरियर में सबसे बड़ी चीज है कि जो हम कैमल कलर करते हुए आए हैं, जो टॉप मॉडल में आता है जी, वो कस्टमर का नहीं रहता, सेम कैमल कलर का जो हम सीट कवर का देते हैं डोर पे लग जाता है। इसका K4 मेन लाइट है, ठीक है। इसके बाद जो मैं बताया था कि अंदर हमने स्विच लगा के मिरर फोल्डिंग किया ऑन वन टच में, ये देखिए प्रॉपर वर्किंग आपको यहाँ पे। इसके अलावा एडजस्ट का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये देखिए ये लेफ्ट बटन से ही हो रहा है, यानी कि डाउन हमारा, ये अप, यानी प्रॉपर फिटिंग के साथ और साथ ही साथ प्रॉपर वर्क भी यहाँ पे हमारा मिरर कर रहा है। और इसके अलावा एक चीज भूल गया था, जैसे इसमें हमने डैम्पिंग किया था, ये देखो जी, ये देखिए कितना हैवी हो चुका है फर्क, देखिए डैम्पिंग का वहाँ पे कितनी कम आवाज आ रही है, यहाँ देखिए हमारे डोर जो है कितने ही ज्यादा हैवी हो चुके हैं। इसके अलावा अपना एमबीएन लाइट लग चुका है K4 में, इसमें मूड आता है अपना, जैसे आपको चलाना है, जैसे चेंज करना है वैसे चेंज कर सकते हो आप, जैसे अभी अपने आप खुद चेंज हो रहा है जी। इसके अंदर बहुत सारे यानी बोर्ड भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसकी फिटिंग देखिए कितनी प्रॉपर फिटिंग करी गई है, कहीं से ये नहीं कि बाहर निकल रहा है कुछ हो रहा है, ये देखो जैसे आप मार दो कुछ नहीं होने वाला इसमें, ये प्रॉपर फिटिंग होता है, हम प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर फिटिंग के साथ कस्टमर को देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें वेलकम लाइट लगाया है, इसकी वारंटी मिलने वाली है हमें बिल्कुल, कितने साल की? 1 ईयर की होता है, 1 ईयर वारंटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ इसका लुक देखिए कितना ही ज्यादा एनहांस कर रहा है। बाकी मैं उधर से आके आपको दिखाता हूँ और क्या क्या किया हुआ अंदर। इसके अलावा जो हम कैमल कलर का सीट कवर लगाते हुए आए हैं, इसमें अपने पास ऑफ व्हाइट कलर भी आता है, कैमल भी आता है, बाकी अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज, जैसे कस्टमर को कराना वैसे हम कस्टमाइज करके देते हैं। ये सीट कवर बहुत सॉफ्ट है, इससे ऊपर कोई क्वालिटी नहीं होने वाला है। तो ये देखिएगा, मैंने पर्सनली चेक कर रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सॉफ्ट मिल रहा है, साथ ही साथ इसका टेक्सचर देखिए कितना ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सिलाई, प्रॉपर सिलाई यहाँ पे मशीन से सिलाई नहीं होता, कंप्यूटर सिलाई है जी। ये देखिए कंप्यूटर सिलाई आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। सॉफ्टनेस की बात करें तो सॉफ्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यानी कंफर्ट का पूरा ध्यान रख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जितना सॉफ्ट सीट कवर होगा उतना कंफर्ट होगा जी। इसके अलावा हमने इसे सेम कलर का थीम इसमें कंसोल पे भी सॉफ्ट टच कर दिया हूं। इसके अलावा हमने इसमें तो ये देखिएगा स्टीयरिंग रैप कर दिया। कस्टमर का नीड था कि मुझे क्रूज कंट्रोल नहीं लगाना है, अपने पास अवेलेबल है तो कस्टमर नहीं लगाया तो क्रूज कंट्रोल नहीं लगाया, स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है। तो ये देखिएगा प्रॉपर कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये भी हमारा किया जेनुइन है, किया जेनुइन है और सारा कपलर टू कपलर, बिल्कुल सारा काम कपलर टू कपलर है। इसके अलावा मेन चीज जो आता है जिसपे हर बेस मॉडल लेने वाले को पसंद चीज आता है जो लगवाना ही पड़ेगा, वो स्टूडियो होता है। ये हमने इस पे जो टच लगाया है प्रॉपर सारे 12 इंची का स्टूडियो है, कहीं से फीलिंग नहीं आ रहा है। अगर सर्विस सेंटर में जाके तो किया वाला भी देख के हैरान होगा, हाँ प्रॉपर फिटिंग में लगा के दिया है। तो ये देखेगा इस प्रॉपर फिटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ निकुबिया ही करके दे रहे हैं, यहाँ तक कि किया वाले भी चौंक जाएंगे, इतना खतरनाक काम यहाँ पे कर दिया है। बिल्कुल, एक बार इसका रिस्पॉन्स दिखा दीजिए। जो स्टूडियो होने वाली है अपनी 12.5 इंची का है, इसका टच क्वालिटी आप देख सकते हो। ये देखिए गाइस बिल्कुल भी लैक नहीं मार रहा है, बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्किंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका साइज देखिए कितना बड़ा होने वाला है, और 4GB RAM 64GB एंटेना, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस है और इसमें 360 सपोर्टेड है। जब कस्टमर का डील करे कि 360 मुझे लगाना है तो ये नहीं कि टच चेंज करना पड़ेगा, इसी में लगवा सकते हो। 360 अपने पास अवेलेबल है? अवेलेबल है, कस्टमर का नीड नहीं था, बहुत होता ना कि अभी नीड नहीं है, बाद में मेरा नीड आएगा बाद में लगवा लूंगा, तो आप लगवा सकते हैं, हम दे रहे हैं। और फिटिंग देख लो, कहीं से कुछ नहीं कि कहीं से कोई बाहर निकला हुआ, कहीं से कुछ नहीं है, प्रॉपर फिटिंग के साथ है। फिटिंग की तो बात करें भैया, बहुत ज्यादा तगड़ी फिटिंग करी है आपने, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग कर दी गई और साथ ही साथ ग्लॉसी फ्रेम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके आता है बेस मॉडल में जी, हमने इसमें टॉप मॉडल वाले गियर नॉब भी लगा दिया। ये देखिएगा इस कितना ही ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये कुछ सिंपल सा आया था और देखो है छोटी सी चीज जी, 4250 रुपए का है। अरे भाई साहब इतना महंगा, इतना महंगा किया का आइटम है ना। इसके अलावा हमने इसमें सिर्फ अपना बैक वाइपर जी, क्रूज और एसी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं, उसके अलावा सारा काम प्रॉपर कपलर टू कपलर किया हूँ। और जिनको भी ये काम करवाना है अब मेरे से विजिट कर सकते हो, नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर आप देख, यहाँ पे हाँ फ्लैश हो रहा होगा। और भैया इसमें कैमरा भी लगा है? बिल्कुल, बैक गियर कैमरा, कैमरा भी दिखा दीजिए कैमरे का रिस्पॉन्स। तो ये देखिए गाइस कुछ कैमरे का रिस्पांस आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं कितना क्लियर व्यू मिल रहा है। और साथ ही साथ ये हमारा डायरेक्शनल होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप अपना एक गाड़ी पार्क करते हो, स्टीयरिंग रोटेट करोगे तो ये सारी जो गाइडलाइंस है ये मूव करेगी और साथ ही साथ आपको इंडिकेट भी करेगी, अगर ये जो रेड लाइन से अगर क्रॉस करा तो यहाँ पे आपका गाड़ी का डेंजर होने का चांस है, क्यों भैया? बिल्कुल। और कुछ भी हुआ इसके अंदर हमारा? इसके अलावा तो बाकी सारा काम तो बेस्ट टू टॉप बता दी, सिर्फ बैक लाइट चेंज नहीं हुआ, बाकी तो सारा चीज सीट कवर उसको बता देगा, कस्टमर का सामान है थोड़ा, नहीं तो पीछे भी दिखा देता है देखो जी। अब चलते कस्टमर के पास, उनसे पूछ लेते हैं उनको काम कैसे लगा एक बार।
तो गाइस ये हमारे गाड़ी के प्राउड ओनर है। सर नाम क्या आपका? अमर सिंह। सर कहाँ से आए? एमपी ग्वालियर से। सर इतनी दूर से आए आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराने के लिए, आपको पता कहाँ से चला यहाँ का? इनकी वीडियो देख करके पता चला जी। आपने इनकी वीडियो देखी? इस चीज पे मैं कुछ एक और चीज बोलना चाहूंगा कि 15 दिन के अंदर ना दूसरी सेल्टोस है इनकी। हाँ दूसरी है भाई। पहले भैया लेके आए थे, अब मैं लेके आया हूँ। भैया यहाँ पे हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। बिल्कुल सबसे हमारे हमें खुशी जब मिलता है जब हमारे पास रिपीट कस्टमर हो, काम अच्छा लगे और रिपीट कस्टमर तो खुशी मिलता है। ये 15 दिन के अंदर मैंने क्या बोला, सेम काम उसमें भी था, उसमें हेडलाइट चेंज नहीं था, ठीक है, उसमें अलाय व्हील ऑटो मार्केट था, इसमें पूरा सब ने जेन्युइन, जैसे जैसे मैंने बताया प्रॉपर जेन्युइन काम प्रॉपर किया, जेन्युइन पार्ट लिए। ये नई चीज आई है, ये इन्होंने नई लगा के दी है जी। बिल्कुल नया है ये भी। और सर पर्सनली आपने चेक किया सारे के सारे जो किया, जेन्युइन ही थे पार्ट? हाँ हाँ जेन्युइन पार्ट। तो आप, और एक चीज सर, काम कैसा लगा आपको? काम तो बहुत स्पीड से है, बहुत अच्छा है, यानी जल्दी कर दिया काम, आप एक्सपेक्टेशन लेके आए। जी हाँ जी जी। रेटिंग की बात करें बिल्कुल एक नंबर। 10 में से क्या देंगे? 10 में से 12। तो देख लो निकु भैया कितने खुश हो चुके हैं। बिल्कुल मेरे को खुशी जब मिला ना, मैंने खुद ही बोला हूँ 15 दिन में दूसरी सेल्टोस बेस मॉडल जी, ये तो प्यार ही है ना। यानी भैया दूसरी गाड़ी लिया है, यानी अगर फ्यूचर में लोगे तो आप फिर से आने वाले हो जी? बिल्कुल आएंगे जी। अभी जो यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? कैसा है आना चाहिए, यानी कस्टमर को यहाँ पे आना चाहिए? ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके लिए इनके पास तो हर गाड़ी आना चाहिए, यानी हर गाड़ी आना चाहिए। तो देख लो निकु भैया कितना प्यार दे रहे हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया भैया अपना टाइम देने के लिए। यही कुछ मॉडिफिकेशन हुई हमारी किया सेल्टोस के अंदर। कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर थे, उनको काम भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।